हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई एम शिवम अग्रवाल, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर, एंड आई एम हियर टू सॉल्व एन अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस को हमें कैसे जो है वो सॉल्व करने का है। ठीक है, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस अमेजिंग क्वेश्चन गाइस। Let's see what is a polynomial. Polynomial is px, that is kx square plus 4x plus 4. And what is the sum of zeros in this? देखिए, sum of zeros होता है alpha plus beta, and that will be minus ka b upon a. Then what is the product of zeros? That is alpha beta, and that is c upon a, that is 4 upon k. Now, what we have already, हमारे पास है क्या सर? तो हमारे पास है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 24 होनी चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा मस्ट इक्वल टू 24। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का 4 अपॉन के, माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा इज 4 अपॉन के, एंड इट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो वी हैव 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस का 8 अपॉन के इक्वल्स टू 24। नाउ व्हाट वी कैन डू गाइस, वी कैन टेक द एलसीएम के स्क्वायर, सो इट विल बी 16 माइनस 8 के इक्वल्स टू 24। तो व्हाट वी हैव, 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। सो वी कैन सी इफ वी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 8 वी विल गेट 2 माइनस के इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। So we have the quadratic equation that 3k square plus k minus ka 2 equal to 0. Now what we can do with this quadratic equation guys, we can split it. Hum isko splitting the middle term se split kar sakte hain, aur 2 aur 3 aur 6 yani ki 6 ke jo factors hue wo hue hamare paas 3k minus ka 2k minus ka 2 equals to 0. So we have 3k common, here we will have k plus 1, here we have minus ka 2 common, we have k plus 1 equals to 0. So you can say you have 3k minus ka 2 and k plus 1 equals to 0. So if we take 3k minus 2 is equal to 0, we will have 3k is equal to 2. So the value of k will be 2 by 3. And if we take k plus 1 equal to 0, so we will have k is equal to minus ka 1. So aap sabhi log dekh sakte hain sir, ki jo k ki hamare paas do values aayi hain, yahi iski correct values hain. ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है गाइस, तो इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन ऑफ द डे में इसको सिलेक्ट किया है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे हम लोग सीबीएसई क्लास 10, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली आएंगे रात में 9 बजे, क्योंकि मेरा जो सेशन होता है वो रात में 9 बजे होता है डेली। टाइमिंग को नोट कीजिए जो भी नए बच्चे हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।